morning. How are you all? I hope you all are fine. So I am back with my Hindi subject. तो आज हम हिंदी में कुछ नया सीखने वाले हैं. तो उससे पहले आपको अभी तक हमने जितना भी करवाया, right? हमने क्या किया था? उन स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया था. वो आपने पहले एलकेजी में सीखा. तो आज हम क्या सीखेंगे? उसकी मात्राएं सीखेंगे. ठीक है? तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ मैंने स्वर, ठीक है, ये स्वर आपको आते हैं. तो अब इसके मात्राएं जो है वो आपको सीखना है. ओके, तो पहला जो है अ, क्या है पहला? अ. तो अभी अ सिंपल ही बोलते, ऐसे ही बोलते, इसमें कुछ कोई मात्रा लगती है नहीं. इसी तरह से क्या बोलेंगे हम? बिना मात्रा. क्या बोलेंगे? बिना मात्रा. तो आज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? बिना मात्रा के शब्द. बिना मात्रा के शब्द. अभी शब्द यानी क्या होता है? जैसे कि इंग्लिश में होता है वर्ड. ओके, वर्ड आप बनाते हो सारे लेटर्स को ज्वाइन करके और वर्ड्स को ज्वाइन करके वर्ड बनाते हो. तो वैसे हिंदी में शब्द बनाते हैं हम हमारे व्यंजन से और मात्रा से. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी, तो ये हिंदी में आया व और द, ये दो क्या है? हमारे व्यंजन है और ये है इसकी मात्रा. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक न है वो आधा किया है, तो वो आधा जो है उसे बोलते हैं संयोग अक्षर. वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको आएगा, तभी मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बिना मात्रा के शब्द. तो अब शब्द कैसे बनाएंगे वो पहले हमें सीखना है. तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिया है, आपको पता है ये कौन सा चित्र है? या फिर घर में भी होगा, जैसे कि आप सुबह आपकी मम्मा चाय पीती है, इसमें पीएगी आपकी मम्मा चाय कप. इसको इंग्लिश में भी कप भी बोलते हैं और हिंदी में भी क्या बोलेंगे? कप. तो जैसे कि इंग्लिश में हम सी यू पी कप लिखते हैं, तो हिंदी में सिर्फ दो अक्षर यूज होते हैं, जैसे कि क और प. अब इसमें भी क्या साउंड सुनाई दे रहा है? किसका स्वर सुनाई दे रहा है? अ. ठीक है, जैसे तो अब क और प को मिला के बनेगा कप. क्या बनेगा? कप. तो ये क्या हुआ? एक शब्द. हमने ये दो व्यंजन को मिला के एक क्या बनाया? शब्द. और इसके अंदर आपको क्या सुनाई दे रहा है? अ का स्वर. क्या सुनाई देगा? अ का स्वर. ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे दूसरा चित्र किसका दिया हुआ है? ये सबके घर में होगा ही. क्या है ये? जहां से पानी आता है उसे क्या बोलेंगे? नल. हिंदी में नल बोलते हैं और इंग्लिश में उसको टैप बोलते हैं, राइट? तो अभी नल हम कैसे बोलते हैं? न ल. तो पहले क्या है? न प्लस ल. तो ये दोनों को मिला के क्या बनेगा शब्द? कौन सा शब्द बनेगा? नल. ठीक है बच्चों, तो अभी दूसरा तीसरा चित्र किसका दिया हुआ है यहाँ पे? जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, इसे बोलेंगे घर. हमने क्या बोला? घर. तो ग प्लस ल को मिला के क्या बनेगा यहाँ पे? ग. तो ये क्या बना है? शब्द. तो ये थे हमारे दो वर्ण वाले शब्द. ठीक है, दो वर्ण यानी कि टू लेटर्स. देखो यहाँ पे हमने दो ही वर्ण लिए हैं. ऐसे ही आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको तीन वर्ण वाले भी आएंगे, चार वर्ण वाले भी आएंगे. ठीक है, तो वो हम आगे सीखेंगे. तो आज आपका होमवर्क है आपकी हिंदी की नोटबुक में पेज नंबर 28. यहाँ पे आप देखो तो बहुत सारे चित्र भी है और उसके नीचे उसके वर्ण है और वो वर्ण को आपको जोड़ के उसका शब्द बना के लिखना है यहाँ. ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ आपका होमवर्क.